इस शुभ अवसर पर मैं सारे दर्शकों को विश करना चाहता हूँ जो टेली मसाला देखते हैं, हैप्पी मकर संक्रांति, और बहुत सारी पतंगें उड़ाइए इस दिन पर, और अच्छा अच्छा बोलिए, और पुराने दुश्मनों को उनके साथ कोई दुश्मनी मत रखिए, और उनके साथ नए रिश्ते जोड़िए। सो हैप्पी मकर संक्रांति एंड हियर वी गो। मैंने अभी फिलहाल इस पतंग के ऊपर लिखा है मेरी आशिकी तुमसे ही, आरवी और ईशानी की ओर से हैप्पी मकर संक्रांति। सो विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति, और खूब पतंग उड़ाइए, और तिल गुड़ खाइए, और गोड़ गोड़ बोलिए, ये लीजिए। स्कूल टाइम पे एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पतंग उड़ाना इतना ढंग से नहीं आता, मुझे फिरकी पकड़ने आती है, और मैं ज़्यादा नहीं उड़ाया करता था बिकॉज मुझे धूप से प्रॉब्लम है, और मुझे धूप इतनी लगती है कि मुझे दिखाई देता नहीं और मेरी आँख में से पानी आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हाँ मैं ज़्यादा उड़ाया करता नहीं था। बट ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पतंग उड़ाना सीखूँ। ये हर लड़के को आता है और ये चीज़ मुझे नहीं आती है, तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है इसको।